फ्रेंड्स, अगर आप भी लगातार ये चीज सोच रहे कि ऐसे कौन सी चीजें हम अपने डाइट में इंक्लूड करें ताकि इस मानसून के सीजन में हमें सीजनल इन्फेक्शन, फ्लू, कोल्ड, कफ ये कम से कम हो। जी हाँ, ये जो मानसून का सीजन है जिसमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ऐसे क्लाइमेट में माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और इसी की वजह से फूड से लेके आपकी तबीयत, कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती है इस मानसून सीजन में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा फूड है जो आपको इस मानसून सीजन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी रहे एकदम चुस्त दुरुस्त। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और जानते हैं कि वो फूड है क्या। वेलकम बैक माय डाइट हैक्स की फैमिली। आई रियली होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस सीजन, मानसून वाले सीजन में आप बहुत अच्छे से रेन्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, चाय के साथ काफ़ी पकोड़े और भजिया भी खाए जा रहे होंगे, जो कि आपके वेट या फैट लॉस का गोल है, तो उसके लिए भी एक चैलेंज है। तो ये जो फूड मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपके इस चैलेंज को भी मैनेज करने के लिए बिल्कुल सक्षम और तैयार है। ये जो फूड है वो है हाई प्रोटीन फूड। आज हम हाई प्रोटीन फूड्स की बात करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं। एक्चुअली जब आपकी बॉडी पे कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट अटैक करता है तो आपकी बॉडी अपनी सेना को आगे कर देती है इन इन्फेक्टिंग एजेंट से लड़ने के लिए। ये सेना है आपकी WBC, आपके एंटीजन्स, आपके एंटीबॉडीज, आपके टी सेल्स। ये सारी जो सेना है वो बनी होती है प्रोटीन से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें ताकि वो प्रोटीन आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपकी सेना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। इसके अलावा आपके जो वेट होता है उसको मैनेज करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो आपको जल्दी सेटाइटी देता है, आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती, उसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपकी बॉडी उसको पचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस या फैट लॉस काफ़ी अच्छे से प्रोटीन के फूड से होता है। हम सबको पता है कि जो प्रोटीन का फूड है वो जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उसका काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोटीन बॉडी आपसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, एग हो गई, या किसी भी तरह का सी फूड हो गया, वो काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। पर ज़्यादातर हिस्सों में भारत के मानसून के सीज़न में नॉनवेज कम खाया जाता है या नहीं खाया जाता, जिसका रीज़न ये है कि इस वक्त नॉनवेज बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और इसकी वजह से नॉनवेज का हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप कहाँ से उसे खरीद रहे हैं, आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उसे घर में कैसे पका रहे हैं, कितने दिन का रखा हुआ है, और क्या आप एक बार में उसे फिनिश कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी ही चीज़ें इन्फेक्शन होने या ना होने को डिसाइड करती है। तो आप नॉनवेज खा रहे हैं तो काफ़ी केयरफुल रहिए। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कुछ वेज सोर्सेज प्रोटीन के जो आपको डेफिनेटली इस सीज़न में इंक्लूड करने चाहिए। जितनी भी दालें हैं, जितने भी पल्सेज या लेग्यूम्स हैं जिन्हें हम बंद दालें बोलते हैं, या फिर जिन्हें हम लोबिया, चना इस तरह के नाम देते हैं, ये जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्सेज ना सिर्फ प्रोटीन के होते हैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनमें होता है फाइबर। ये फाइबर क्या करता है, ये फाइबर आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ जाके पचता भी नहीं है, आपको सेटाइटी भी देता है, आपका नेक्स्ट मील का जो खाना है वो भी कम करता है, जिसकी वजह से फैट लॉस, वेट लॉस तो काफ़ी अच्छा होता ही होता है। पर इसके अलावा ये प्रीबायोटिक फूड है आपके शरीर में, आपके गट में जो रहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, उनके लिए। जब आपके हेल्दी बैक्टीरिया को उनका खाना मिलेगा तो उनकी ग्रोथ आपके बॉडी में अच्छी होगी, और ये हेल्दी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली, जिसमें एक है विटामिन B12। इस प्रोड्यूस हुए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आपको बहुत सारी इम्यूनिटी मिलेगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दाल्स को, लेग्यूम्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एक बहुत अच्छा तरीका है उनका सूप बनाना और उसको इंक्लूड करना। ये आपके वेट लॉस, फैट लॉस तो में तो हेल्प करता ही करता है, पर एक इंटरेस्टिंग तरीका है दालों को अपने डाइट में इंक्लूड करने का। अगर आप लेग्यूम्स को, बंद दालों को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको स्प्राउट्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब उनको अंकुरित करते हैं, स्प्राउट्स बनाते हैं उनका, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके पोषक तत्व आपकी बॉडी को ज़्यादा लगते हैं और इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर मिलती है। पचने की क्रिया भी ज़्यादा अच्छे से होती है, स्पेसिफिकली रेनी सीजन में जब हमारे डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ऐसे सीजन में स्प्राउट्स कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन भी दे सकते हैं। पर अगर आपने उसमें स्प्राउट्स अच्छे से लाया है और अच्छे से पकाया है तो आप स्प्राउट्स को आराम से पचा भी पाएंगे और उसको आराम से अवशोषित भी कर पाएंगे।
तो ये सारे प्रोटीन सोर्सेज अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए और मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो और आज की दी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें इस मानसून में अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना है। मैं अपनी मवानी को देती हूँ यहाँ विराम, मिलती हूँ आज से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपनी हेल्थ पे इतना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए ना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। शुभम भवतु।